तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग आ गए कौन इंटरेस्टिंग व्लॉग में दोस्तों और मेरे भाइयों और बहनों। तो हम लोग आज जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया जगह और मैं आज बहुत ही खुश हूँ क्योंकि क्योंकि आपका भाई आज कपड़े लेगा, अपने लिए कपड़े लेगा, है ना मम्मी? मैं अपने लिए कपड़े लूंगा। हाँ बिल्कुल, मेरे को भी लेना है। आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, समझे थे? हम जा रहे हैं शॉपिंग करने मतलब नोट उड़ाने। आज हम पापा का पैसा और बटुआ सब खाली कर देंगे, है ना? क्योंकि आज पापा स्पेशली बोले चलो शॉपिंग करेंगे। एक रीजन है जिसकी वजह से हमको शॉपिंग करना है। अब मैं आपको एक रीजन बता दे, छोटा सा हिंट। जैसे अभी आप जानते हो कि शादी का सीजन आ रहा है, शादी का सीजन आ रहा है, अब समझ गए? बस मेरा इतना ही हिंट देने का काम था। हमने घर पैक कर दिया है, बेबी आप रेडी? हमारा स्टैंड और हमारा नया माइक रेडी, तो चलिए चलते हैं और घूमते हैं। बैटरी रख लिया ना? नहीं नहीं, वो बैटरी देर चार्ज में लगा, तो चलते हैं गाइस पहले कार के पास। पापा तो कार में ही बैठे पहले से ही। अभी हम लोग हैं वाई ब्रिज पे, हम जा रहे हैं सुपेला की ओर और सुपेला में हम लोग कुछ शॉपिंग करेंगे। तो वीडियो को पसंद आया तो लाइक भी कर देना, चैनल पे नहीं हो तो कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी मत भूलिएगा। तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं सुपेला की तरफ और मस्त यार व्यू तो बहुत। वैसे भी हर चीज की मार्केट है, सब चीज की, इलेक्ट्रॉनिक सुपेला बहुत बड़ा मार्केट है, तो इलेक्ट्रॉनिक वेदर सारा मार्केट वहाँ पे सुपेला में। तो सुपेला में ही जाएंगे और हम अपने लिए कुछ शॉपिंग्स करेंगे। गाइस पीछे ना हमारे एक नई स्विफ्ट आ रही है, एकदम न्यू, अभी अभी खरीदे हैं, मस्त एकदम हार वार पहनाया उसको, शादी करके लाए। कार की शादी कैसे मैं बताऊं? जैसे देखो हम दुल्हन को लेके आते हैं ना, नई नई दुल्हन घर लेके आते हैं, मस्त शादी करके और मस्त फूल वूल पहना के, वैसी नए न्यू कार के लिए हम लोग जाते हैं उसको लेने, उसकी डोली लेके आते हैं अपने घर में और उसको सजाते हैं, सजाते हुए लेके आते हैं, है ना मम्मी? तो पापा को जैसे कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा, वैक्सिंग लग चुकी है। और पापा कैसा लग रहा है आपको? कोई फर्क नहीं पता चला पापा का, लेकिन पता है लाल लाल हो गया था, मैं देखा था एकदम। हाँ कल दीदी रो रही थी, पता है बहुत। अगर आपको इसका इमोशनल ड्रामा देखना है तो रन्नू के जाके वीडियो में देखो, बहुत ही बढ़िया मशा है। लाइक भी करो। कुछ हुआ क्या बे? है पापा को तो खुद डर नहीं लग रहा, तू ज्यादा चिल्लाती है, इसको ज्यादा डर है पापा से। पापा तो अपना एकदम पहले वाले वैक्सीनेशन में उसको बोला अब तेरे को घूमने नहीं मिलेगा रन्नू, तू तो नहीं लगाएगी, तू घर ही में रहना। तो क्या बोलते? नहीं नहीं अब मैं भी लगाऊंगी। रन्नू भी लगाएगी? हाँ रन्नू, हाँ यार क्यों नहीं, नहीं क्योंकि इसका नहीं आया लेकिन मेरा आ चुका है। मेरा जो है ना स्कूल में लग रहा है यार, पर मैं स्कूल से नहीं लगाऊंगा, मैं बाहर से लगवा लूंगा अपने में। पर यार कसम से मेरे को बहुत डर लगता है इंजेक्शन से, मेरे को वैक्सीन से बहुत डर लगता है यार। मेरे दांत में पांच पांच इंजेक्शन एक दिन में लगे, पांच पांच अबे दांत में नहीं लगते, पता ही नहीं चला एकदम जबरदस्त। मौसी पता ही नहीं चला कि कब लग गया, बोली हाँ हो गया, तब मैं देख रही हूँ कब घुसाई कब निकाली, पता ही नहीं चला लगाई भी कि नहीं, ऐसा बोलती है। लगाई तो होगी भाई, गई है तो लगाई ही होगी। लोग मेरा हौसला बढ़ा रहे पता है, पर मेरे को कसम से बहुत डर लगता है यार, मेरे को डर लगता है। जैसे कोई जैसे ही हार्ट टच होती है ना मेरे, तो पता नहीं ऑटोमेटिक मेरा ना शरीर ऐड जाता है, मतलब मैं टाइट हो जाता है बॉडी, जैसे छू आता है मैं इतना टाइट कर लूंगा अपनी बॉडी को, उसका इंजेक्शन नहीं चल पाएगा, पता नहीं चला। गाइस पापा हमारे वैक्सीनेट हो गए हैं और इनका सेकंड डोज था ये। आपको पता है गाइस, एक यार मेरे को कंट्री याद नहीं आ रही, पर उस कंट्री में ना जब लोग वैक्सीन लगाने से डर रहे थे, तब उस कंट्री के मेयर ने ये आइडिया लगाया कि जो वैक्सीन लगाएगा उसमें 100 में से एक को करीब मिलियंस देंगे, मिलियंस ऑफ रुपीस इन डॉलर शायद, तो उतना मिला और जीते भी थे। मैंने देखा था यार, फैक्ट्स में पढ़ा था तो वो देखा था मैं, एक लेडीज जीती थी। तो लोग गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं और आज फिर नाका बंद है। अरे यार बैड लक नहीं है, जब भी आता है पांडुरंगा। कौन पांडुरंगा? किसको बोल रहे हैं आप? मैं पांडुरंगा बेबी रंडू को बोलता हूँ यार, मेरा नाम पांडुरंगा बना रहे हो, मेरे को पांडुरंगा बना दिया बताओ।
ऐसा नहीं है, जब मैं आता हूँ तब ऐसा कुछ नहीं है। अभी वो देखो खुलने वाला है, वो गाड़ी चले गई, यहाँ से दिख रही थी हमको, यहाँ बाजू में ही हमारी पटरी है ना रेलवे स्टेशन। नहीं पर यहाँ डबल जाती है तभी। हाँ ना जाना, बहुत बार यहाँ पे ना सबसे ज्यादा गाड़ी आती है, कभी डबल ट्रिपल चले जाती है, पता है। अरे गाइस एक बात पीछे कल वाले वीडियो पे मैंने जो शॉर्ट्स बनाए थे उसको आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके बता देना, बहुत ही मजा आया हमको। पापा बा अरे भीड़ बहुत ज्यादा है, देख रही है, एक बार में जाए भी नहीं पाएगी, रुकना पड़ेगा, ठुक्कर ठुक्कर हो जाएगा देखना। लेकिन सुपेला तो हम लोग पहुंच गए हैं, बस उधर पार जाना है हम लोग को। हमारी शॉपिंग भी स्टार्ट हो गई, देखो वहां पे नाका बंद है तो हम लोग यहां पे आए हैं। मम्मी अपने लिए थोड़ा सा चुन्नी उन्नी देख लेती है। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं सुपेला, क्या स्नोमैन, अरे वो ऐसी बबल वाला था स्नोमैन। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं सुपेला, और सुपेला बोला मैं, हम लोग अभी पहुंच चुके हैं सुपेला, और मम्मी को लहंगा वहंगा पसंद नहीं आया, और अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ, तो बस पास ही में हम लोग, वीडियो का एंड तक के देखो, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहुंच जाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आ गए हैं, और यहाँ पे हम लोग पापा के फ्रेंड जहाँ से हमने बोया लिया था माइक, घूमते घूमते हमने सोचा क्यों ना थोड़ा चाय पी लिया जाए, तो कार हमने पार्क कर दी है, अब यहाँ चाय पीने आए हैं। तो गाइस अभी हमारी कार पार्क हो चुकी है, और अभी हम लोग कहाँ पे है, पावर हाउस में, और पावर हाउस के बाजार जा रहे हैं हम लोग, जो हमको सामान लेना था इलेक्ट्रॉनिक्स वाला वो तो हम ले लिए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं पावर हाउस, सुपेला से लिए थे, अब हम लोग सुपेला से आ चुके हैं पावर हाउस, और पावर हाउस में हम लोग कुछ लेंगे अपने लिए कपड़े। तो गाइस आपको लग रहा होगा अचानक से सीन कैसे चेंज हो गया और ये पोहा मेरे हाथ में कैसे आ गया, तो मैं आपको बताता हूँ, हम लोग बहुत देर से मार्केट कर रहे थे, और उसके बाद मार्केट करते करते हम लोग पहुंचे, फिर हम लोग का मार्केट हो गया फिनिश, तब हम लोग घूम रहे थे, फिर हमको याद ही नहीं था कि आज गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व है, और उसके लिए यहाँ पे रास्ते में पूरा स्टॉल टाइप का लगा है, और यहाँ पे हमको मिल गया पोहा। पहले हम लोग वहाँ आगे फर्स्ट में राजमा चावल खाए, राजमा चावल, और आगे यहाँ पे है पोहा। गाइस आज तो पार्टी हो गई, हम सोच ही रहे थे यार बहुत देर से भूख लग रही है, हम लोग बहुत ज्यादा घूमे, अब हम लोग सोचे क्यों ना कुछ खा लिया जाए, तो हम लोग यहाँ पे देखो पोहा खा रहे हैं, वाह यार बहुत ही टेस्टी है। कुछ खाने ही जा रहे थे तब तक हम लोग को भंडारे, हाँ भंडारा मिल गया, भंडारा प्रसाद, सोचो भगवान जी का प्रसाद आज मिल गया, तो बहुत ही मजा आ रहा है यार, एक नंबर खाने में, मैं आपको कसम से बताऊँ टेस्टी बहुत है, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और मजा भी आ रहा है। एक चीज बताऊँ, वहाँ देखो सामने क्या लगा है वो पता है, ये ना वो जादू वाला है ना, जो जादू वाला शो, ये वो है, हम लोग नहीं बना पाए इसका वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, ये यहीं पे लगा है, पहले ये रायपुर में लगा था, अभी ये यहाँ लगा है, और यार बहुत ही मजा आ रहा है इसको खाने में, एक नंबर टेस्टी तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये पंजाबियों ने बनाया है यार, पंजाबियों के हार्ट का तड़का, हाँ है ना, मस्त। कैसा लगा बेबी आपको जलेबी, जलेबी है इसके अंदर, खाली पोहा ही नहीं, जलेबी है, कहाँ है पता नहीं, जलेबी टुकड़ा खाए, वाह जलेबी का टुकड़ा है बोलते इसके अंदर, और हम लोग राजमा चावल भी खाए, राजमा चावल भी बहुत बढ़िया था यार। तो गाइस अब हम लोग सोच रहे हैं ये फिनिश कर लिया जाए, उसके बाद निकलते हैं घर की तरफ। अभी यार तुम लोगों को पता है मैं ना वीडियो बनाना भूल जाता हूँ, पता है आगे हम लोग जैसे ही आए ना वैसे ही हमको चाय भी मिल गया, सोचो गर्मी में चाय, और हम क्या पिए थे मम्मी, वो दाल क्या है, छोले, दाल वाला क्या भाई गर्मी में, अरे रुको वो दाल वाला क्या खाया, दालचीनी भी पिए जो कोरोना में बहुत ही मस्त, दालचीनी वाली चाय जो कोरोना में बहुत ही ज्यादा काम आती है, और हम लोग पिए गरम गरम चाय, एक नंबर मजा ही आ गया यार, गरम गरम चाय, सोचो भाई तू अभी गर्मी की बोल रहा था, गर्मी बोला मैं, गरम गरम चाय बोला, ठंडी में गरम गरम चाय मिल गई तो और क्या चाहिए, है ना, कुछ नहीं चाहिए यार, मजा आ गया आज तो, बाहर हमने कुछ नहीं खाया, सोचो हम लोग बाहर कुछ नहीं खाए, पैसा बचा लिए पापा का, है ना मम्मी, सोचे थे आज पापा का जेब खाली करेंगे पर बच गए पापा, हाँ पापा भी सोच रहे होंगे यार मेरा तो जॉन बची है यार, इतने मेहनत से कमाया हुआ रुपया मेरे जेब में ही है, है ना पापा को बोलता हूँ अभी आने दो आने दो, वैसे खरीदे हैं हम लोग कपड़े, लेकिन थोड़ा सा खर्च किए, मतलब थोड़ा नहीं ज्यादा ही खर्च, क्योंकि खाने पीने में नहीं, हाँ यार हम लोग घूमते घूमते थक गए, फिर जब आगे गाड़ी में बैठे सोचे कुछ खाएंगे घर चलते हैं या फिर बाहर ही कुछ देखते हैं, तो फिर अपन आए तो आगे हमको खाने को मिल गया, बहुत ही बढ़िया मजा आ गया भंडारे में,
पापा को अंदर आने दो। और ऐसा भंडारा था जितना खाना है उतना लो। और यार मजा आ गया पता है। फिर भी हम लोग पता था हम लोगों की आगे कुछ और भी होगा, तो हमने राजमा थोड़ा खाया, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको पोहा खाया, थोड़ा सा वो दालचीनी पी और फिर उसके बाद चाय पी। बढ़िया बढ़िया गजब ही गजब। और अभी भी हम लोग घर में। एक बार आप कमेंट करके बताना। तो यार मैं जो जो भी है जो भी सरदार जी या पंजाबी हमें देख रहे हो उनको दिल से शुक्रिया। और बहुत ही बढ़िया लगा हमें आपका ये व्यवस्था। और हाँ मैं आपको ये भी बताना भूल गया कि जब पूरा एंड हो गया ये कार्यक्रम उसके बाद सफाई भी चल रही थी। सोचो रोड को रोक दिया गया गाड़ी को आने देने के लिए और उसके बाद उनकी सफाई भी की जा रही थी रोड की। सोचो ये देखो वो सफाई कर रहे ठीक है पर लोगों को खाने का मिल रहा है फ्री का। हाँ तो कम से कम ये जो डिस्पोजल है उसको किसी डस्टबिन में एक जगह हाँ वही मतलब फैलाने के बजाय। क्योंकि मैंने देखा क्योंकि वहाँ पे डस्टबिन भी था तब भी लोग उसपे नहीं डाल रहे थे कचरा, थोड़ा बाहर ही फैला था। फिर भी इन्होंने साफ करा, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और रोड भी इन्होंने क्लीन कर दी पूरी और बहुत ही अच्छा लगा इसका इनका व्यवस्था। तो दिल से शुक्रिया हम पंजाबी भाइयों और सरदार जी को। यार पता है हम लोग अभी घूम रहे हैं, कितने देर से घूम रहे हैं, मजा आ गया आज तो पूरा। लेकिन अभी आपको लग रहा होगा हम लोग उतर क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लगा है मेला सेक्टर में। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ सामने। ये शायद यहाँ के रहने वाले लोग अपने फ्रेंचाइजी टाइप का मेला लगाए हैं और हम लोग अंदर चलते हैं। नगर पालिका निगम, नगर निगम। बेबी कैसा लगा आपको घूम के, इतना घूमी आप, आपके लिए कपड़ा भी ले आ गया, रन्नू पांडे भी अपने लिए कपड़ा लिए, मैं भी लिया हूँ मस्त वाला जो मेरे को पसंद है जैसा टाइप का। अनबॉक्सिंग थोड़ा सा दिखाएंगे, दम नहीं दिखाएंगे, बेबी का कपड़ा नहीं दिखाएंगे, भाग रोनी बेबी। नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, चुप हो जा, ऐसे मत चिल्लाना भीड़ में पगली, तेरे को सब पागल समझेंगे, तू छोड़ मेरा हाथ इससे अच्छा। ये देखो गाइस भीड़ और ऐसी टाइप का है यहाँ पे, शायद खाने का स्टॉल ज्यादा लगा है। अंदर चलते हैं और थोड़ा घूमते हैं उसके बाद दिखाते हैं। खाने का भी नहीं है, सब स्टॉल अपना लगाए हैं यहाँ पे। इसको आनंद मेला नाम दिया गया है, आनंद मेला। यहाँ पे सब कुछ है, अलग अलग टाइप के डेली नीड्स, खाने का बहुत कुछ है यहाँ पे। और सामने वहाँ पे स्टेज शो भी चल रहा है। इधर तो मुझे सब कपड़े वपड़े का दिख रहा है और यहाँ पे सब खाने का दिख रहा है। यहाँ पे पूरा खाने का था और हमने यहाँ पे मम्मी ने रेडीमेड आइटम लिया है, पापड़ चावल के आटे का। मस्त पूरा सेक्टर घूम लिया आज, पूरा सिविक सेंटर भी गए थे अभी पर मैं वीडियो नहीं बनाया उस टाइम। ठंडी लग रही है कार में तो लग ही नहीं रहा है। पापा कल इंजेक्शन लगा लिया ना तो पापा मस्त फुल पावर में है ना बेबी। तुमको भी लगवा दे क्या, बच्चे वाला आ गया है तू गिर गई, लाओ 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 लगवा लो, तू एकदम हेगड़ी सी है ना, थोड़ी मोटी हो जाएगी। आप सोचे आप सीधा निकलते हैं घर तरफ। सभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर और बहुत ही बढ़िया मजा आया हमको वहां घूम के। आज तो पूरा सेक्टर भिलाई घूम डाले अपन। और क्या है ना यार, अभी जो है ना मेरे को अपना असाइनमेंट पूरा करना है, तो असाइनमेंट में टाइम लगेगा। अभी मेरे को 4 तारीख को जमा करना है तो उसको मेरे को बनाना है। तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको वीडियो में मजा आया तो प्लीज वीडियो कर दो लाइक, चैनल पे नहीं हो तो कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन में भी मत भूलिएगा। गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर देना यार, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है। और यार हमें हम लोग थोड़ा उसका प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल दे, तो उसका भी अब उसी का पहले निकाल दे, 13-4 तारीख देखो उसका कल ही देना है, उसको पहले निकाल दे। हाँ तो चलो उसको मैं निकाल के दे देता हूँ गाइस, उसका भी है यार मेरा भी है। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। ऐसी इंटरेस्टिंग व्लॉग हम आपके लिए लाते रहेंगे और आप भी हमारे साथ बनी रहिए हमारी फैमिली की तरह और हमें सपोर्ट करिए।